हाय फ्रेंड्स, डेलिकेसीज ऑन द प्लेट में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगी आपको किस तरह से घर पर एकदम बाजार जैसी चॉकलेट बना सकते हैं और वो भी स्टफिंग के साथ। आज का जो चॉकलेट का रेसिपी है, इसमें मैंने जेली और कैरमल की स्टफिंग की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैरमल सॉस मैंने लिया हुआ है और ये एकदम स्टिकी कंसिस्टेंसी में है, तो स्टफिंग के लिए इसी तरह का कैरमल सॉस यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले मैं इसे गर्म कर लूँगी ताकि ये थोड़ा और मेल्ट हो जाए, तो ज़्यादा नहीं। ओवन में इसे करीब 30 सेकेंड के लिए गर्म कर लें। अब डबल बॉयलर प्रोसेस को यूज़ करते हुए इसमें मैं 400 ग्राम डार्क कंपाउंड मेल्ट कर लूँगी। तो एक भगोने में पानी लेकर एकदम धीमी आंच पर उसे गर्म होने के लिए रख दें। उसके ऊपर दूसरा भगोना रखकर उसमें मैं ये चॉकलेट डाल दूँगी छोटे टुकड़ों में काट कर। अब यहाँ पर मैंने कुछ जेली ले ली है, तो ये थोड़े बड़े साइज़ में हैं, तो इनको मैं इस तरह से या तो फ्लैट कर लूँगी या तो फिर इसे दो टुकड़ों में काट लें बीच में से इस तरह से। ये देखिए, तो इस तरह से काट कर जेली को तैयार कर लेना है। इसी जेली को कैरमल सॉस में लपेट कर ताकि अच्छे से कैरमल सॉस में कोट हो जाए, फिर इसकी स्टफिंग करनी है चॉकलेट के बीच में। ये देखिए, मैंने जेली को काट कर रख लिया है और यहाँ पर चॉकलेट भी मेल्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर मेरे पास ये प्लास्टिक के मोल्ड हैं चॉकलेट के, आप चाहें तो सिलिकॉन मोल्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा थोड़ा चॉकलेट इसमें डालकर, जो पिघलाया हुआ चॉकलेट है, थोड़ा सा डालकर इसकी एक लेयरिंग कर लूँगी। तो इस मोल्ड को थोड़ा सा इस तरह से हिला दें ताकि चॉकलेट पिघलाया हुआ जो है अच्छे से फैल जाए मोल्ड में। दूसरे सांचे में भी इसी तरह से लेयरिंग कर लेनी है। तो यहाँ मैंने पिघलाए हुए चॉकलेट की एक लेयरिंग दोनों सांचे में कर ली है और अब जेली के एक एक टुकड़े को इस तरह से लेकर कैरमल सॉस में अच्छे से कोट कर लें और फिर टूथपिक की सहायता से इस जेली के टुकड़े को उठाकर चॉकलेट पर बीचों बीच एकदम रख देना है। थोड़ी देर इस तरह से होल्ड करके रखें ताकि एक्स्ट्रा कैरमल सॉस इसमें से निकल जाए। तो अब मैंने यहाँ पर ये जेली के टुकड़े को बीचों बीच इस तरह से रख दिया है और ऊपर से फिर से चॉकलेट की एक और लेयर डाल दें। तो यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा चॉकलेट पिघलाया हुआ ऊपर से और थोड़ा सा डाल दिया है। इसे फिर से हल्का सा शेक कर लेंगे तो पिघलाया हुआ चॉकलेट अच्छे से फैल जाएगा और स्मूथ लेयर इसकी बन जाएगी। तो इसी तरह से मैं हर एक जेली के टुकड़े को कैरमल सॉस में कोट करके चॉकलेट के बीचों बीच इसी तरह से स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेना है। सारे चॉकलेट्स को इसी तरह से तैयार करके फ्रिज में मैं इसे रख दूंगी करीब 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए। 15 से 20 मिनट में चॉकलेट अच्छे से सेट होकर तैयार हो जाएगा। फिर इसे निकाल कर इस तरह से एक स्पैचुला की सहायता से हल्के हाथों से टैप करें, आराम से ये निकल आएंगे चॉकलेट्स सांचे में से, या तो फिर उंगलियों से इस तरह से हल्का सा उल्टी दिशा में पुश करते रहें तो चॉकलेट सांचे में से आराम से निकल आएंगे। तो हमारा चॉकलेट्स यहाँ पर बनकर तैयार है। इसे आप बनाएं, बच्चों को दें, बच्चों का तो फेवरेट होता ही है ये चॉकलेट। आप बच्चों की पार्टीज़ के लिए, उनके बर्थडे के लिए ये चॉकलेट बनाकर तैयार कर सकते हैं घर पर। और चॉकलेट कंपाउंड से बनाया हुआ चॉकलेट काफ़ी सस्ता भी पड़ता है, त्योहारों के लिए भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल बटन दबाना न भूलें ताकि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा।